पहले दिन अरुणाचल प्रदेश की जर्नी में खूबसूरत यादों को सहेजने के बाद दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है हमें मिलते हैं दोस्त। अच्छा, कहाँ से हैं आप? असम लखीमपुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ अरुणाचल में आपको? अच्छा है। आप कितने दिनों से हैं इधर? डेढ़ बच्चर हो गया। डेढ़ महीना? डेढ़ बच्चर हो गया। डेढ़ बच्चर मतलब साल? साल हो गया। अच्छा, डेढ़ साल। चलिए भाई, और कहाँ कहाँ इधर घूम सकते हैं कुछ बताइए हमें। जगह तो इधर इतना अच्छा है, ब्यूटीफुल प्लेस है इधर घूमने भी। आज पीछे में डैम है, आगे में जो जीरो है, जो हम लोग सिबलिंग है ना, सिबलिंग जीरो सिबलिंग है। नीचे नदी है, नदी का अच्छा प्लेस है। अभी यही स्थान है हमारा जहाँ पे हमने टेंट लगाया था और हम सड़क पास से ही गुजर। तो अगल बगल इलाकों को देखने जाने से पहले चलिए थोड़ा सा कर लिया जाए पेट पूजा। तो पहले लस्सी ट्राई करते हैं यहाँ का लोकल। क्या दादा, क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? असम। असम। अच्छा, यहाँ पे कितने दिनों से हैं आप? 30 साल हो गए। अच्छा खासा, मतलब 3 दशक आपने गुजारा है। हाँ, चारों तरफ गांजा का बहुत सारा मतलब पौधा मिल जाएगा आपको, पूरा गांजा ही गांजा। तो हम लोग की तरफ है उतना नहीं होता, लेकिन इधर पूरा गांजा ही गांजा का पौधा मिल जाएगा आपको। बड़ा वाला बैग यहीं पर रख के अपना टेंट वेंट का सामान, वहाँ से हम निकल के जा रहे हैं डैम वैम देखने। जो हमारा कैंपिंग लोकेशन था जहाँ पे कल हम रुके हुए थे, वहाँ से जो डैम है ये वाला करीब 6.8 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है बाई वॉक। तो चलते हैं, क्योंकि इस रोड पे तो गाड़ियाँ बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं, मतलब पैदल ही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ये क्या, अभी मुश्किल से 200 से 250 मीटर चले ही होंगे कि साला बरसात हमारे राह को रोड़ा बन के सामने खड़ा है। पर हमारे पास ये छाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ लेंगे इस बरसात से। अगर मौसम यहाँ पल भर में बारिश आ जाता है, पल भर में मौसम साफ हो जाता है, पल बल उत्तराखंड के जैसे मौसम होता है ना, हाई अल्टीट्यूड वाले इलाकों में, उस तरह का यहाँ मौसम है, पल पल चेंज होते रहता है। पैदल हम आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि मिल जाता है हमें आज का पहला लिफ्ट। देखिएगा एक बार स्माइल। मेरा घर तो थोड़ा 3 किलोमीटर अंदर में है। अच्छा अच्छा, चोट लग गया क्या हाथ में? हाँ। वो कैसे? हाथ को पूरा काट दिया। अच्छा अच्छा, दांव से काट दिया। ओहो, चारों बगान काटने वाला। हाँ काट दिया। अभी दूसरी जगह पे जाके ना। हाँ हाँ, वाइस वाइस लगा के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया जेम्स। अच्छा, कहाँ से आप? हम ये यहाँ का है, डैम साइड के। अच्छा, डैम साइड का। हाँ, डैम जहाँ भी जा रहे हैं ना, मेरा बस्ती आगे पे है। अच्छा अच्छा, 3 घंटे यहाँ से 3 किलोमीटर के आगे में है। अच्छा, वेरी थैंक यू भैया। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू मिलते हैं उधर, लौटते हैं तो आपके गाँव मिलते हैं। थैंक यू। बरसात भी रुक गई है और हमें करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का लिफ्ट भी मिल गया, तो अब डिस्टेंस बहुत 2.5 किलोमीटर ही रह गया, 2.5 से 3 किलोमीटर रह गया डिस्टेंस, और बरसात तो रुक ही गई है। 200 से 300 मीटर चले होंगे, एक ट्रक में लिफ्ट मिल गया है। डैम की ओर जाने वाला जो रास्ता था थोड़ा बहुत संकरा था, पर अपने भीतर एक विशिष्ट स्तरीय खूबसूरती सजोए हुए था। तो उन्हीं रास्तों की खूबसूरती का लुत्फ उठाते उठाते हम पहुँचते हैं डैम। अभी हम पहुंच गए हैं रंगा नदी डैम, जो कि बहुत ही फेमस डैम है अरुणाचल का। और ये सड़क है डैम के उस साइड से, इस साइड से उस साइड जाने का। हम लोग तरफ डिफरेंट शेप एंड साइज में होता है बम्बू, लेकिन यहाँ का एकदम एक ही शेप और साइज में, हाइट में सब ऊपर की ओर गए हुए हैं। डैम से हम बाहर निकले थे तो अभी यहाँ पे एक लोकल बतख, जो कि यहाँ पे जब बोलते हैं लोग, वो देखने को मिला। उसका बनावट भी थोड़ा अलग था, तो अच्छा लगा, नया चीज़ देखने को मिलता है जब आप सफ़र पे जाते हो कहीं और वहाँ पे वहाँ की चीज़ों को देखते हो, नया चीज़ देखते हो तो अलग से एक माइंड के अंदर रिफ्रेशमेंट वाला भाव आता है। और फिर से बरसात का आगमन हो चुका है, तो अभी जाते वक्त भी हमें लिफ्ट मिल गया है। और ये भैया, क्या नाम है भैया आपका? कहाँ जा रहे भैया अभी आप? हम अभी वो पीटापुल साइड। क्या? पीटापुल। अच्छा, चलिए हमें भी उधर ही जाना है, पीटापुल साइड। तो थैंक यू भैया, इन्होंने अभी लिफ्ट दिया हमें, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके आपसे। हाँ, नाइस मीटिंग यू। ओके। हाँ, कभी आइए बिहार। हाँ हमारे तरफ।
और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये जो जो पौधा दिख रहा है? हमें लगा कि इधर कुछ और बोलते हैं, लेकिन इधर भी गांजा ही बोलते हैं। सही है, चलिए अब देखते हैं। ऊपर साइड में, टॉप साइड में हमें थोड़ा यूनिक सा खेती का स्टाइल दिखा है, चलिए देखते हैं उधर क्या सीन है। जो हम रास्ता खोज रहे थे ऊपर जाने के लिए शायद यही है, देखते हैं ऊपर की ओर जाके शायद लेके जाए वो खेत के पास ये रास्ता। वैसे यहाँ तो अभी खूबसूरती तो और निखार आ गया है बरसात के बाद, थोड़ा बहुत जो धूप निकला है इसने चार चांद लगा दिया है दिन में ही। और केले का बगान इधर, तो क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अच्छा, आप यही इसी गांव के हैं? नहीं नहीं, पीतापुर का। अच्छा, पीतापुर का। अच्छा, तो मतलब और आपका इधर खेत है? अभी रिक्वेस्ट लगाया है। अच्छा, उधर ये तो सरसों है ना? सरसों और केला, लाइसक मिक्स है। लाइसक, सरसों और लाइसक मिक्स है ये। अच्छा, दो तातां बोले सब्जी उतार के बेच दिया। अच्छा, दूसरे लोगों ने? यहाँ के लोग हैं व्यापारी लोग को। ये से आते हैं ना आप, ये नीचे से। महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए, यहाँ की जो गांजा का है ना पौधा, यहाँ प्रचुर मात्रा में है। तो जो गंजेड़ी या फिर गांजा का सेवन ज़्यादा मात्रा में लोग करते हैं, उनके लिए तो भैया एकदम जन्नत है। चारों तरफ जहाँ जाइए वहाँ गांजा का पौधा ही पौधा मिलेगा, एकदम माहौल बनाया हुआ है। तो ये भी ठीक है, हम तो समझते थे कि ऋषिकेश में ही ऐसा है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर मिल रहा है हमें देखने को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीमानू रामचारी। अच्छा, कहाँ से? हम आसाम से। अच्छा, आसाम से। यहीं पे इधर जॉब करते हैं आप? हाँ, यहाँ पे जॉब करते हैं। आपका भैया? हाँ, आप भी आसाम? मेरा नाम पांगी। अच्छा, आसाम से? आसाम का है। आप भैया? आप? माय नेम श्यामल सिंह। अच्छा, आसाम से? हाँ, आसाम से। अच्छा, तो सभी लोग हैं? सभी लोग आसाम से ही हैं भाई लोग, और यहाँ बहुत सारे आसाम के लोग मिल जाएंगे आपको जॉब करते हुए। काफ़ी अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ घूमने, मज़ा भी आ रहा है। और ये भैया हमारा बहरहाल समय की मांग है, समय की नहीं बदन की मांग है कि अब पेट को शरीर को कुछ परोसा जाए, यानी ऊर्जा की तलाश है अब। तो चलिए देखते हैं कुछ भोजन के लिए। इधर पीतापुर में तो भोजन अभी नहीं है, जैसे रोटी चावल या कुछ भी, यहाँ तो बस सुबह में पूड़ी खाए थे तो वहीं था। अब देखते हैं, उन लोगों ने बताया कि 2 किलोमीटर आगे एक पीटा पुल से ढाबा है, तो वहाँ शायद मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं रास्ते में। धूप तो अभी सूर्यदेव अभी अच्छी खासी मात्रा में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, तो ठीक है। थोड़ा बहुत पसीना शरीर में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा पराठा तैयार हो रहा है। तो आप भैया बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मढ़ौरा के पास। हाँ, यहाँ पे कितना दिन से रह रहे हैं? यहाँ तो 35 साल। मतलब अपने जीवन का एक आधा से भी ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे गुजारा है आपने ना। और आपके फैमिली में यहाँ पे कौन कौन है? अच्छा, पूरा परिवार है आप लोग? पूरा परिवार ही है। ये आ गया भाई हमारा खाना। और खाना खाने के बाद फिर हम उसी स्थान पे आ गए जहाँ पे कल हमने अपना टेंट लगाया था।